वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? अमेरिका आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मगरिब की टाइम पे, या मगरिब हो चुकी है, नमाज में पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं आ गई थी यहाँ वीडियो एडिट करने के लिए। और इसके साथ मेरे हस्बैंड लेकर आई थी ये रोल, उसके साथ फ्राइज, और ये जो कुकी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ना, ये घर की बनी हुई है, तो ये चीज़ें मैं अभी खा के और उसके साथ मैं अपनी वीडियो जो है एडिट कर रही हूँ। मेरी अभी तक आज की वीडियो अपलोड नहीं की, पता नहीं क्यों मुझे बहुत देर हो गई है। के मेरे शाम को जो है ना 4 बजे मेरे लेट गई थी, क्योंकि मैं सारे दिन ताहिर थी, मेरे हस्बैंड घर पे था नहीं, और वो जो है ना तकरीबन 3 बजे आए थे लंच के लिए, लंच के टाइम पे, तो हमने 3 बजे लंच किया था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए आराम किया और फिर मैं उठी, चाय पी, फिर मैं ऊपर चली गई थी। और आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में इशा की अज़ान की आ रही ना आवाज़, सो मुझे अभी इशा भी पढ़नी है, तरावी भी पढ़ना है, और आज रात मैंने और आप लोगों को मैं क्या बता रही थी, हाँ उसके बाद मैं ऊपर गई थी बेला के साथ, और फिर मैं चाँद को ढूंढने के लिए गई थी, और फिर चाँद को देख के वापस नीचे आए। और पता नहीं क्यों मेरी वीडियो एडिट नहीं हो रही मुझसे, खैर कभी कभी ऐसे होता है। सो बस अभी मुझे जल्दी से अपलोड कर दो। वैसे मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तकरीबन 8:50 की टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी वीडियो अपलोड और एडिटिंग नहीं हुई। अभी मुझे वॉइस ओवर करना है, या अल्लाह, होपफुली कि जल्दी कर पाऊँगी। अभी भी जो है मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, और आई गेस 10 बज गए, मैं नमाज पढ़ चुकी हूँ, और डिनर में मैंने खाया था जेम ब्रेड चाय और चिप्स, अभी खोला नहीं, शायद खाऊँ, शायद अभी बस सो जाऊँ और अलार्म लगाऊंगी सहरी का। और ये कैट्स मुझे तंग कर रही थी जब तक मैं वॉइस ओवर कर लूँ, सारा काम कर रही है जो है ना, ऐसे काटती है। देखो देखो देखो, आउच 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 आउ। और यहाँ हुआ था सहरी का टाइम, और मैं अभी सहरी बनाने लगी हूँ, बनाऊँगी आलू और रोटी के साथ एक पराठा के टाइप के, उसी तरह से बना के चाहे बस यही आज की सहरी में। और रात को वीडियो अपलोड करने के बाद मैं गई थी सोने के लिए, लेकिन ऐसी नींद आई थी, टेंशन वाली नींद, क्योंकि मुझे जो है ना ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैंने अलार्म गलत लगाया हो, या इस तरह होता है ना कभी AM या PM का यू नो डिफरेंट होता है, इस तरह ना किया हो, ऐसे नहीं होता कि नींद भी सोच आ रही थी इस टाइप के, तो मुझे जो है ना पूरी रात नींद नहीं आई, थोड़ी देर के लिए शायद आई थी, लेकिन ज़्यादातर मेरी जो है ना तकरीबन जाग रही थी, आँखें तो बंद थी लेकिन दिमाग जो है ना वो जाग रहा था इंतज़ार में कि कब अलार्म बजेगा। सो बस इस तरह हुआ था, उसके बाद मैंने उठ गई थी और यहाँ जो है मैं सहरी बना रही हूँ। और आज मैंने सोचा था कि सहरी के बाद जो है ना मैं फजर की नमाज़ पढ़ के ऑफकोर्स उसके बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि पूरी रात नींद ऐसी ही थी ना कि बस समझो नींद ही नहीं आई। सो बस यहाँ जो है मैंने हमने सहरी कर ली थी, और उसके बाद जो है ना मैंने फजर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। सहरी का मैंने इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाई थी क्योंकि मुझे जो है ना दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे जो है ना दिमाग में नींद आ रही थी, और ऐसा फील होता कि अजीब सी फीलिंग थी यू नो, तो बस इस तरह की फीलिंग थी, इसलिए मैं बहुत कम वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने नमाज पढ़ ली फजर की, और यहाँ मैं आई थी कुरान पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे कैटन जो है ना वो ऐसे होती है ना कि फजर के टाइम पे वो जागती है, और जब 8-9 बजे का टाइम होता है ना वो दोबारा सो जाती है, तो अभी जो है ये जाग रही है और मैं इसके साथ बैठ के कुरान पढ़ूंगी। मेरे हस्बैंड गए हुए मस्जिद, वो अभी आई नहीं है, तो मैं ये जो है कुरान मेरा भी ख़त्म, जो मैं पहले स्टार्ट कर चुकी थी मैं वो कंटिन्यू कर रही हूँ, इंशाल्लाह ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ बेला गुस्से में आ गई थी, पता है बच्चों को एक एक करके मार के फिर वो ऊपर चले गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को क्या करो, क्योंकि वो आजकल बहुत मारती हैं, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो जहाँ ये होती है ना वो बेला नहीं होती, ऐसे ही सीन होता है। सुबह से तीनों अब यहाँ बैठे हुए हैं, ऑफकोर्स बेला सेकेंड रूम में सो गई थी, और अब जो है मेरा सोने का भी टाइम हो गया, और ये बच्चे भी मेरे साथ सोएंगे। एनीवे उसके बाद हुआ था हेल्पर के टाइम का, और वो आ गई थी और वो सफाई कर रही है, तो मैं जो है ना कल ये जो सोफ़े मैंने साफ़ किए ना, ये रूम में रखे हुए, तो इससे मैंने इसकी सफाई नहीं की थी, तो आज मैं दोनों को साफ़ करूँगी। और साथ में मेरे हेल्पर भी आ चुकी है, वो भी अपना काम कर रही है।
अभी जो सुबह का टाइम है तो मैं थोड़ा सा इफ्तारी वाला काम देखती हूँ कर लूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा डिशेस बनाऊँगी तो मैं अभी स्टार्ट करूँगी, अगर कम बनानी है मीन्स कोई ईजी वाली रेसिपी है तो मैं शाम को डायरेक्टली स्टार्ट करूँगी। तो अभी डिसाइड नहीं किया कि इफ्तार में क्या बनाऊँगी, लेकिन पहले मैं अभी सफ़ाई कर लूँ। सफ़ाई हो जाने के बाद जो है ना डिसाइड होगा कि इफ्तार में क्या बनाऊँगी। और यहाँ सफाई हो गई थी सोफ़े के, अब जो है मुझे मशीन ख़ुद को साफ़ कर दिया, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह बहुत हो जाता है और थोड़ा सा गंदा पानी भी निकलता है यू नो, इसका तो मुझे अभी इसकी सफ़ाई करनी है। और जो एक टैंकी है, इसमें दो टैंकी होती है, एक ये क्लीन वाला पानी जो स्प्रे के लिए यूज़ होता है वो इसका पानी में सिर्फ निकाल के ऐसे कि ये टैंकी में रखूँगी ड्राई होने के लिए, और जो दूसरी है ना इसको मुझे थोड़ा सा अच्छे तरीके से साफ़ करना है, क्योंकि इसके अंदर दो पाइप होते हैं, एक सकर वाला होता है ना उसमें थोड़ा सा डस्ट वगैरह होते हैं ये वाला, तो इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा सफाई करूँगी। और मैं सोच रही हूँ इसके लिए स्पेशल ब्रश लूँ, क्योंकि मेरे पास एक रखा हुआ है टूथ ब्रश उसको साफ़ करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है वो टूथ ब्रश एंड तक नहीं जा रहा और इसकी जो एंडिंग है ना उसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है इस टैंक का, तो देखती हूँ इसके लिए भी अगर अच्छी सी छोटे से ब्रश मिल जाए तो फिर मैं इंशाल्लाह इसके लिए लूँगी, क्योंकि हाथ जो है ना अंदर नहीं जाता बिल्कुल भी, तो इसलिए इस टांके की सफाई अच्छी तरीके से नहीं होती। एनीवे उरिया हुआ था शाम का टाइम और मैं इफ्तारी बनानी स्टार्ट कर लिया है। अभी मैं बना रही हूँ मकरोनी जो क्रीमी वाली है ना वो वाला पास्ता मैं बनाऊँगी। सबसे पहले जो है ना मैंने चिकन को थोड़ा सा फ्राई किया था, उसके साथ ही मैंने ऑनियन डाल दिया और जो शिमला मिर्च होती है और टोमेटो, इसमें से मैंने सारी चीज़ें साथ में डाल दिए थे। मुझे जो है ना पास्ता में जो अनियन और शिमला में जो हम वेजिटेबल जो भी डालते हैं ना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि वो थोड़ा सा साबित हो, फुल गला हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, ये कुछ साबित होते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है, तो इससे मैंने सारी चीज़ें साथ में डाल दी थी कि अगर गल जाए ना तो कम गल जाए तो बस वो मैंने बना लिया था। उसके साथ मैं अभी पास्ता को जो है ना जो मखरूनी है उसको मैं अलग से बॉईल करूँगी और उसके बाद मैं क्रीम बनाऊँगी जो वाइट क्रीम होती है ना वो, और देखती हूँ थोड़ा सा चीज़ भी ऐड कर लो। तो बस यही प्लान है आज डिनर में, और ये चीज़ जो है ना ये जो डिश है मेरे हस्बैंड को मूड था कि ये मैं बना लूँ, इससे मैंने बनाया था वरना मेरा कुछ और का मूड था एनीवे लेकिन खैर ये भी अच्छी है। सो यहाँ जो है मैंने जो मिक्सचर मैंने बनाया था शिमला मिर्च का और जो चिकन वाला था उसमें थोड़ा सा जो पास्ता वाला पानी था वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, अभी जो है ये पास्ता मिक्स करूँगी और फिर अलग से मैं क्रीम बना के वो भी इसके ऊपर भी डाल दूँगी। मैंने पानी इसलिए डाला था कि ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाए, और जब क्रीम डालते हैं ना तो फिर भी वो थिक होता है, लेकिन अगर ये पास्ता वाला पानी डालते हैं ना तो ये और भी क्या कहते हैं पतला हो जाता है। और जो मसाला मैंने यूज़ किया था इसके साथ मसाला आता है ना जलफेरी या शाशलिक, तो मैं वो डाल देती हूँ, ये जो मैं बना रही हूँ ये शाशलिक वाला था तो इसलिए बस ये डाल दिया, आई गेस शाशलिक वाला है अब मुझे याद नहीं है, पर मैं ये दो लेती हूँ, उसके अलावा मुझे पसंद नहीं जो दूसरे फ्लेवर है तो वो मैंने डाला था। अभी जो है मैं क्रीम बनाने लगी हूँ, क्रीम के लिए मैंने थोड़ा सा बटर लिया था मक्खन, और मक्खन में थोड़ा सा 2 स्पून मैंने आटा डाला है, आटा जो स्पून है ना छोटा वाला स्पून मैंने यूज़ किया था क्योंकि हमारी मकरोनी जो पास्ता उतना ज़्यादा नहीं है, तो बस वो डाला था। उसके बाद थोड़ा सा मिल्क डाल दिया और ऑर्गेना पाउडर डाला है, उसके साथ नमक डाल के वो बस मिक्स करके जब वो थोड़ा सा थिक हो गया मैंने पास्ता में डाल दिया था, और उसके ऊपर से थोड़ा सा मैंने चीज़ भी डाल दी ऐसे ऐसे कट करके तो बस ये भी कर जाएगी थोड़ी सी देर के दम पे। और उसके साथ मैं अब फ्राई करने लगी हूँ समोसा नहीं, अभी जो रोल मैंने बनाए थे ना फ्रीज्ड वो वाले में अभी थोड़ा सा फ्राई करूँगी एयर फ्रायर में। वैसे भी एयर फ्रायर मैंने जब से लिया है ना एक दफ़ा यूज़ किया है, मैंने एक दफ़ा बैंगन बनाया था उसमें बस दैट्स इट, और उसके बाद मैंने यूज़ किया नहीं, तो अभी मैंने सोचा था कि चलो अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास देखती हूँ अगर अच्छी तरीके से फ्राई हो गए तो ठीक है वरना मैं नॉर्मली फ्राई कर लूँगी ऑयल में, तो मैंने ट्राई करने के लिए रख दिया था। और ये एक साइड है इसका, एक साइड से फ्राई हो चुका था बहुत अच्छी तरीके से, मुझे लास्ट टाइम जब मैंने बैंगन बनाया था ना तो मुझे बहुत बहुत टाइम ज़्यादा लगा था, इतना वेस्ट टाइम मेरा टाइम इतना वेस्ट हुआ था ना कि मुझे यू नो दिल नहीं करा था कि नहीं नेक्स्ट टाइम एयर फ्रायर को यूज़ करूँ, लेकिन अभी जब इस दफ़ा मैंने यूज़ किया है ना तो बहुत जल्दी से ये फ्राई हो गए थे और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा कलर आ गया। सो बस ये मैंने फ्राई किया था और उसके साथ ये पास्ता मैं अब सर्व करने लगी हूँ, डाइनिंग टेबल पे सेट कर रही हूँ, और उसके साथ मुझे अब क्या रखना है, यहाँ खजूरी रखनी है, जमजम रखना है, और इसके साथ मुझे याद नहीं और क्या रखना है, और ये जो डेकोरेशन है जिसमें रखा हुआ है रमज़ान करीम ये लास्ट ईयर का है तो मैंने अभी निकाल के यूज़ किया है,
और इंशाल्लाह पूरे रमज़ान में यही डाइनिंग टेबल पे होगा। इसके साथ ही खजूर भी रखती हूँ इसमें, और जो दो छोटे कप होते हैं, कप नहीं होते, गिलास पे होते, कप पे कह सकते हैं उसको, जो छोटे होते हैं जिसमें सऊदी में तो कावा पीते हैं उसमें, लेकिन यहाँ मैं यही जमजम के लिए यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने रखे है साथ में। और यहाँ इफ्तार का टाइम होने वाला था और मैं जमजम दिखा रही थी गिलास में मेरे हस्बैंड के लिए, और मेरी जो लूलू है ना, ये किटन छोटी, इसने मेरे पानी पी लिया क्योंकि मैंने जमजम को अलग निकाला था जिसमें दूसरे गिलास में, और ये नॉर्मल जो पानी होता है वो मैंने अलग गिलास में निकाला था, और उसने जो है ना मेरा पानी पी लिया। एनीवे इसके बाद ऑफ कोर्स हुआ था चाय का टाइम, जो पूरा दिन हम एक चीज़ को मिस करते हैं वो चाय है, और इफ्तार के बाद तो लाजमी चाय बननी चाहिए। वैसे भी हमने अभी पी थी और इशा की नमाज के बाद भी हम पियेंगे, क्योंकि एक चाय असर नहीं करती दो या तीन कप पीने के बाद फिर थोड़ी थोड़ी असर करती है, तो यहाँ जो है चाय बन गई थी और अब हमें जो है चाय पी के और यहाँ जो है मैं बैठ गई थी साथ में एडिटिंग करने के लिए, लेकिन मेरी किटन जो है ना वो छोड़ती ही नहीं है, वो जो भी मेरी लैपटॉप या जो भी चीज़ है ना उसके ऊपर बैठ जाती है, जिसकी वजह से ये व्लॉग जो है ना मुझे रात को पोस्ट करना था लेकिन मैं कर नहीं सकी, रात को अपलोड करना था पर कर नहीं सकी, और अभी जो है मैं आज अपलोड कर रही हूँ, आज तो खैर सेकेंड रोज़ आए थे, कल की वीडियो आई है। एनीवे उसके बाद जो है ना ये सीन था रात के टाइम पर, और आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।